हाँ जी माता जी। हेलो माता जी, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन भगवद गीता क्लास। आज की भगवद गीता क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमें चैप्टर 3 पढ़ना है। हाँ जी हाँ, हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था श्रीमद् भागवत गीता का। तो प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पाद की जय, भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी। तो आज जो है बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज भक्ति विनोद ठाकुर और गदाधर पंडित का तिरुभाव दिवस है। तो वैष्णव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तिथि है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जो है हमारे 9th गोस्वामी है ना। तो आज के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए भक्ति विनोद ठाकुर से कि वो हमें प्योर भक्ति की तरफ एलिवेट करें, मेरे हमारे जीवन में भक्ति को और अच्छे से प्रगत करें, वैष्णव एसोसिएशन दें और हमें शक्ति प्रदान करें कि हम वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार ही अपना जीवन बिता सकें। तो वो है हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर है या गदाधर पंडित है, इन लोगों ने जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसी को ही आगे बढ़ाया है। जीव का जो परम लक्ष्य है वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। लेकिन कैसे प्राप्त करना? तो ये 16 अक्षर का महामंत्र का चैंटिंग करना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना है ना, अर्च विग्रह की सेवा करना, इस तरह से जब हम करते हैं धाम वास करना, हरि नाम संकीर्तन करना, वैष्णव एसोसिएशन करना, तो इस तरह से करने पर हमारा जीवन जो है वो सफल होता है और अंत में नारायण स्मृति होती है। तो आइए चैप्टर 3 हम शुरू करते हैं, कर्मयोग। अर्जुन उवाच जयासी येन कर्मणा ते मता बुद्धि जनार्दन किं कर्माणि घोरे मामनियोज्यसि केशवः। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर बुद्धि में क्यों लगा रहे हैं? तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को धूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भाव अपना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन से प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। हाँ, तो हमने देखा कि दूसरे अध्याय में भगवान ने लास्ट श्लोक में बोला कि एषा ब्राह्मणी स्थिति, जो इस ईश्वरी ज्ञान को या इंद्रिय संयम करके भगवान की भक्ति करने के ज्ञान को ममता और
इच्छाओं को त्याग कर देता है, मिथ्या अहंकार का त्याग कर देता है और भगवान की भक्ति करता है, वही क्या करता है, भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो अर्जुन को ये डाउट हुआ कि हाँ भगवान आप भी यही कह रहे हैं कि जीव को भक्ति करनी चाहिए, अपना मन जो है, अपनी इंद्रियां जो है आपकी सेवा में लगाना चाहिए। तो आप एक तरफ तो बुद्धि योग की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है मुझे कृष्ण में लगा रहे हैं, युद्ध में लगा रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये सब छोड़ते हैं, जिन्होंने जो किया छोड़ दीजिए, जिन्होंने मेरे साथ जो भी अपराध किया, जो भी किया धर्म किया सब छोड़ दीजिए, हम क्या करते हैं भगवत भक्ति करते हैं और मैं जंगल में चला जाता हूँ एकांतवास में और आपका हरि नाम जपूंगा, भिक्षाटन करूंगा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि तुमको घोर युद्ध करना है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इस श्लोक में श्री प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर ये श्लोक लिखा। जब मैंने बहुत पहले जब इस्कॉन ज्वाइन किया ये श्लोक पढ़ा तो मैं बहुत दिनों तक समझने की कोशिश कर रही थी इस श्लोक को, क्योंकि जनरली भक्ति का मतलब जड़ता होती है, सब कुछ छोड़ देना है ना, और भगवान की भक्ति करना, यही भक्ति सिखाया गया ना। लेकिन भगवान यहाँ भक्ति भक्ति का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है, सबको भगवान से जोड़ना है। हमारा खाना पीना उठना बैठना मिलना जुलना सोचना विचारना शास्त्र अध्ययन करना समाज के साथ संबंध परिवार के साथ संबंध सबसे रिलेशन सब कुछ जो है वो भगवान से केंद्रित करना है। इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो संन्यास का मतलब होता है ये समझना कि सभी वस्तुएं भगवान से आती हैं और ये भगवान की तुष्टि के लिए, इसको असली संन्यास कहते हैं, है ना। लेकिन हम भूल से संन्यास का मतलब क्या समझते हैं या भक्ति का मतलब कहते, सब कुछ छोड़ देना बिना जाने कि भगवान से कैसे संबंधित है। गौड़ीय वैष्णव रूप गोस्वामी जो है प्रभुपाद उनके अनुसार ये फल्गु वैराग्य और सब चीज को भगवान से संबंधित देखना ये असली संन्यास है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे, भगवान कृष्ण से हर चीज संबंधित है, ये ज्ञान देखना ये असली संन्यास। समझ में आ रहा है? हम क्या देखते हैं, ये मेरा शरीर है, नहीं, ये भगवान ने हमें शरीर दिया है। जब भगवान ने शरीर दिया है बनाया है सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के कंट्रोल में है, तो इसका उपयोग किसकी सेवा में है, भगवान की सेवा में। लेकिन हम जो है अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं जिसके कारण हम बन रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि अर्जुन ने असमंजस में था तो उसने दुर्योधन से जाके नहीं पूछा या कर्ण से जाके नहीं पूछा या अपने भाइयों से नहीं पूछा, तो उसने कृष्ण से पूछा मुझे क्या करना चाहिए या मेरा ये डाउट है। तो यही शिक्षा हमें भी लेनी चाहिए कि हमें अगर कोई मान लीजिए असमंजस है तो हमें शुद्ध वैष्णव से बात करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु से बात करना चाहिए जो कि तत्व विज्ञ हो और वो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। हम जो हर किसी से पूछते रहते हैं हाँ, हर किसी के सामने बैठ जाते हैं, मेरा हाथ देख लीजिए बताता है ये ऐसा है वैसा है ये ऐसा है वैसा है, अरे हाथ भी दिखाना चाहिए तो ढंग के लोगों को दिखाइए ना, जो कम से कम इस क्षेत्र में हो, है ना, एस्ट्रोलॉजर हो अच्छे हो। हर कोई जो थोड़ा बहुत रेखाएं देख के थोड़ी आपका भविष्य बता देगा, थोड़ा सोचनी चाहिए। तो कभी कभी कृष्ण भावना मृत को भूल से लोग जड़ता समझ रहे हैं और ऐसी ध्यान धारणा वाला मनुष्य भगवान के नाम जप द्वारा पूर्णता कृष्ण भावना होने के लिए एकांत स्थान में चला, इससे क्या होता है उसको सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। लेकिन भगवान ने कृष्ण भावनामृत यानी भक्ति जो है माता जी ये सक्रिय है। सक्रिय का मतलब युद्ध का मतलब क्या है, आपको अपने सारे कार्यों में सारी चीजों में भगवान को जो हम भूले बैठे उनको इंक्लूड करना समझना है। हर चीज भगवान से संबंधित है ये देखना, इसको भक्ति कहते हैं। नहीं तो आपने एक प्रॉपर्टी भगवान ने दी शहर की, उसको छोड़ के आप भगवान की दूसरी प्रॉपर्टी वृंदावन को भोग रहे हैं दोनों प्रॉपर्टी तो भगवान की है। हाँ जी,
तो हमें ठीक से समझना चाहिए, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए। श्री प्रभुपाद देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का बहाना बनाकर चातुर को युद्ध से छूटना चाह रहा है। हम भी यही करते हैं, बहुत दुख है, रिलेशन में बहुत दुख है ना, शरीर से बहुत दुखी है, दुनिया में बहुत दुख है, तो क्या करना है, इनको छोड़ देना है और हमें भक्ति करनी। नहीं, आप इसीलिए भगवत भक्तों को देखेंगी जो वैष्णव होते हैं, वो देखिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अभी कोविड में भी कितना काम कर रहे हैं, है ना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना, कीर्तन करना, लोगों को दवाइयां पहुंचाना, कर रहे हैं ना। हाँ जी हाँ, महाराज ने भी देखो कितने प्रोग्राम सिखाए, किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखे, डॉक्टर्स के अलग अलग डॉक्टर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, विदेश के सब तरह के एक्सपर्ट से मिलाना, करना राय देना, क्या करना चाहिए, कैसे हम एटेंशन देखें, कैसे हम एंजाइटी से बचें। तो जब हम अपने शरीर का ध्यान देंगे तभी तो हम भक्ति भी कर पाएंगे। तो भक्त जानता है कि जो शरीर है भगवान का मंदिर है, तो इसलिए भगवान के मंदिर की टेक केयर करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो कर्मी है वो क्या सोचता है, ये मेरा शरीर है और मेरे भोग के लिए बना है, तो ये अंतर होता है। तो यहाँ पे जो सब कुछ छोड़कर एकांत स्थान में जाने की नहीं, तो अर्जुन यही बार बार गलती करता है। अर्जुन को लगता है कि भक्ति करने का मतलब एकांतवास में चले जाना, तो भगवान युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक, व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धि मोह असीव में तदेकं यत् निश्चये श्रेयो अमानुतयम् श्रेण अहम् आप्नुयम्। आपके व्यामिश्रित उद्देश्यों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। भगवान कभी कहते हैं बुद्धि योग के बारे में, कभी कर्म योग के बारे में, कभी इंद्रियों को वश में करने को कहते हैं, है ना, कभी अहंता ममता को त्यागने को कहते हैं, फिर घोर युद्ध में लगा रहे कि व्यक्ति अहमता ममता को कैसे त्याग दे। तो हो सकता है, कैसे हो सकता है आगे भगवान बताएंगे। तो भगवान भगवत गीता में सातवें अध्याय में तस्मा सर्वेशु कालेशु मामनु स्मरण यते च, तुम जो भी काम करो मुझे याद करते रहो, तो क्या होगा, वो भक्ति हो गया। तो सब कुछ छोड़ के भक्ति नहीं करनी है, सबके साथ भक्ति करनी है, है ना, सबको सबके बीच में धर्म स्थापित करना है। तो लेकिन अर्जुन अभी बार बार कंफ्यूज हो जा रहा है कि मैं भी तो एकांत में भक्ति करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इस सकाम कर्म को आप श्रेष्ठ, सकाम कर्म से आप जो है बुद्धि योग को श्रेष्ठ मानते हैं, भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं, मैं भी श्रेष्ठ मानता हूँ, तो लेकिन आप फिर दूसरी तरफ एक तरफ कहते भक्ति करो और दूसरी तरफ मुझे युद्ध में लगा रहे, तो युद्ध को और भक्ति को अलग अलग देख रहा है ना। हाँ। और हम लोग भी क्या करते हैं, अपने कार्य को और भगवान की भक्ति को अलग अलग देखते हैं, तो नहीं, दोनों एक ही चीज है, उसी में भगवान को अपने आप को करना है। तो भगवान ने कई उपदेश दिए तो अर्जुन जो है थोड़ा भ्रमित हो गया, है ना। तो फिर उसने कहा कि भगवान आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ये होना चाहिए कि अर्जुन की तरह हमें ये होना चाहिए कि हमें कृष्ण को समझना चाहिए कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो भगवान से पूछना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भी बोलते हैं कि अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारे, कामना हो या नहीं कामना हो, अगर हमें मांगना भी तो भगवान से मांगना चाहिए, देवी देवताओं से नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान अगर हमारे लिए अच्छा है तो वो उसको दे देंगे। हाँ। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो इसको पढ़िए तात्पर्य। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में साक्ष्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। आता है अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था,
जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन नहीं यह नहीं समझ सका कि किसी भावना में क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं किसी भावना का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान मैं जो है थोड़ा सा बुद्धि मेरी मोहित हो गई, क्योंकि आपने बहुत कभी सांस योग बताया, कभी बुद्धि योग बताया, कभी आपने बोला हमें इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, कभी हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। तो क्योंकि मैं नव दीक्षित हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ। तो भगवान जो है अर्जुन जब समझ नहीं पा रहा है कि मतलब कृष्ण भावना में जड़ता है या सक्रिय सेवा। जनरली लोग भक्ति को क्या समझते हैं, जड़, मतलब भक्ति करने मतलब कुछ नहीं काम करना है ना, या भक्ति का मतलब है काम करते हुए भक्ति करना। तो वो समझ नहीं पा रहा है अर्जुन इस चीज को। हम लोग भी जब इस्कॉन से नहीं जुड़े थे तो भक्ति का मतलब यही समझते थे ना, सब कुछ छोड़ देना। लेकिन जब हम इस्कॉन से जुड़े तब हम पता थे नहीं, हमारे जीवन के हर हिस्से में भगवान को जोड़ना है जहां हमने छोड़ के रखा है, समझना है इस चीज को। तो दूसरे शब्दों में अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है कि मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो बताइए। तो जीवन में दो चीज होती है, एक श्रेयस और दूसरी होती है प्रेयस। तो श्रेयस में व्यक्ति जो है वो आध्यात्म जिज्ञासा करता है और प्रेयस में व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की जिज्ञासा करता है। तो यहाँ अर्जुन ने श्रेयस वर्ड यूज किया कि मेरे लिए सबसे आध्यात्मिक जगत में श्रेयस है उसको आप बताइए। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा पूर्ता मया अनग ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयास करने वाले दो प्रकार के लोग हैं, एक ज्ञानी यानी ज्ञान योग के द्वारा भगवान को समझता, दूसरा भक्ति योग के द्वारा, है ना। तो द्वितीय अध्याय में भगवान ने 39 श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धति बताई है, सांख्य योग और बुद्धि योग, है ना। भगवान ने बताई 39 नंबर श्लोक है। तो वो श्लोक है एशाम से अभिहिता सांख्य बुद्धि योगी, कि मैंने तुम्हें सांख्य योग बताया है, अगर तुम इसका निष्काम कर्म करोगे तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो इस श्लोक में अधिक स्पष्ट विवेचन किया गया कि सांख्य यानी आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन करना चाहिए, है ना, कि क्या चीज आत्मा है, क्या चीज भौतिक जगत है, अध्ययन करके अलग अलग करना चाहिए, क्या आध्यात्मिक है क्या भौतिक है, इनका वैश्लेषिक अध्ययन करना चाहिए। और व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तु का चिंतन एवं मनन करना चाहिए कि हम जब शरीर नहीं है लेकिन हम शरीर को ही सब समझे तो आत्मा क्या है, उसका नेचर कैसा है। तो हम देखते हैं आत्मा शाश्वत होती है, शरीर नश्वर होता है। तो इस तरह से हमें दोनों ही प्रकार के जो चीजें हैं भौतिक पदार्थ और आध्यात्मिक, इन दोनों का वैश्लेषिक अध्ययन करना चाहिए, है ना, फिर उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। यानी एक तो ज्ञानी लोग होते हैं और भक्ति लोग होते हैं। तो फिर इसके बाद भगवान ने द्वितीय अध्याय के 61 श्लोक में बताया है कि 39वें श्लोक में भगवान ने बताया कि बुद्धि योग के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। और फिर 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और बताया भगवान ने कि बुद्धि योग यानी परब्रह्म पर आज इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया। जो भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस रहता है, वो व्यक्ति बहुत आराम से इंद्रियों को भी संयम करता है। वो शादी में जाता है एकादशी के दिन लेकिन कुछ खाता नहीं है, है ना, वो ड्रिंक्स नहीं करता, वो मीट ईटिंग नहीं करता बाकियों की तरह, है ना, उसका कंट्रोल रहता है क्योंकि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। एक तो एकादशी है, ऊपर से ये जो अभक्ष भक्षण ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों विष्णु अवतार आया था ना, हजारों आइटमें रखी थी हम, बस और इसमें कोई ज्यादा दुख भी नहीं लगता होगा,
आप घर से प्रसाद लेके गए होंगे थोड़ा बहुत। हम तो बना कर गए थे ना रोटी वो कुट्टू मगर कुछ रिश्तेदार जो चिढ़ गए हमसे। तो यही नियम है ना, तो भक्ति जो करता है उसके लिए इनके करना बहुत सरल हो जाता है। तो इस तरह दोनों प्रकार के योग में धन एवं दर्शन जो है अनिवार्य है। एक में हम धर्म के अनुसार हम लोग सोचते हैं कि धर्म करेगी फिलोसफी पढ़े, तो यहाँ पे प्रभुपाद करते हैं दर्शन यानी फिलोसफी जो है और धर्म है दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। अगर दर्शन विहीन धर्म होगा, अगर मान लीजिए आपको ज्ञान नहीं है खाली आप कोई चीज फॉलो करते हैं घंटी बजाते हैं व्रत रखते हैं, लेकिन क्यों व्रत रखना है, भक्ति क्यों नहीं करना, मेडिटिंग क्यों नहीं करना, दर्शन नहीं है फिलोसफी नहीं है, तो आप केवल भावुक रहेंगे, भगवान है भगवान की भक्ति करना, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते और ज्यादा लंबा चलेंगे भी नहीं फिर आप, है ना। मान लीजिए आप रोज मंगलाते जा रहे हैं लेकिन आपको कारण नहीं पता कि हम भगवान के हैं हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो थोड़े दिन तो आप जाएंगे लेकिन जब सारे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे यार ठीक ही कह रहे हैं इतना सुबह उठ के जाने की क्या जरूरत है, तो भावुकता रहेगी है ना, भाव से ज्यादा देर तक नहीं चला सकता। और कभी कभी धर्मांधता या धर्म विहीन दर्शन खाली मानसिक उताप हो रहेगा, हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, ज्ञान बहुत रखा है हमने है ना, ये भी बातें जानते हैं ये भी जानते हैं ये भी जानते हैं, लेकिन करते समय हम अपने मन की करते हैं है ना, हम कोई नियम पालन नहीं करते, मीटिंग नहीं छोड़ते, हम शराब पीना नहीं छोड़ते है ना, हम गंदे काम पापकृत करना नहीं छोड़ते, भगवान का हरि नाम लेने का टाइम नहीं है, हमारे हृदय में ही भगवान है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, माता पिता की पूजा कर लो यही भगवान है, इसे मानसिक उताप हो जाएगा यानी धर्मांधता हो जाएगा। अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण की भक्ति है, धार्मिक जय परम सत्य की खोज करते हैं अतः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, इसका भी उल्लेख भगवद्गीता मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में उनकी वास्तविक स्थिति को समझना है। तो भगवान कह रहे हैं कि दो तरह से मुझे प्राप्त किया है, दो मार्ग है प्राप्त करने का, एक तो ज्ञानी मार्ग है दूसरा भक्ति में मार्ग, लेकिन दोनों ज्ञान मार्ग हो या भक्ति दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। भक्ति में ज्ञान होना भी जरूरी है तभी ठीक है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे भावुक हो जाएंगे। और भक्ति ज्ञानी है लेकिन भक्ति नहीं करते, केवल हम मेंटल स्पेकुलेशन करेंगे, हम मानसिक केवल उताप वो करेंगे है ना, तो क्या हो जाएगा हम जो है धर्म विहीन हो जाएंगे है ना, मतलब एक्शन में नहीं रखेंगे कोई भी चीज, तो वो भी हम ज्यादा लंबा नहीं कर सकते है ना, इसलिए दोनों का पालन करना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। इसी अप्रत्यक्ष दासी शिष्य के द्वारा कृष्ण भावना में तक पहुंचा जा सकता है, यानी प्रत्यक्ष प्रति में कृष्ण भावना में ही प्रत्येक वस्तु का अपना संबंध जोड़ना होता है, इन दोनों में से कृष्ण भावना में का मार्ग श्रेष्ठ है। दो मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और दूसरा है भक्ति मार्ग, तो भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि भक्ति में ज्ञान भी होता है और एक्शन भी होता है, आप भगवद गीता और भागवतम के द्वारा ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं है ना, और भक्ति भी कर रहे हैं एक्शन भी कर रहे हैं, दोनों काम होते हैं, लेकिन बाकी मार्गों में ये चीजें नहीं होती। तो कृष्ण भावनामृत जो पद्धति है यानी भक्ति योग जो है वो भगवान कहते हैं सर्वश्रेष्ठ है मुझे जानने के लिए। न कर्मान अनारंभात निष्कर्म पुरुष अनुशक्त न च संन्यास एन सिद्धि समी समधि गच्छति, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास लेने से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन भगवान स्पष्ट बता रहे हैं अर्जुन क्योंकि कंफ्यूज है ना कि संन्यास लें कि युद्ध करें, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम कर्म से विमुख हो जाओगे युद्ध नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि कर्म फल से तुमको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि तुमने कर्म नहीं किया इसलिए तुमको पाप लगेगा, और न केवल संन्यास कोई ले लिया है तो उससे कोई सिद्धि मिल जाएगी, तो संन्यास ले लिया लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करता उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो भौतिकता वाले मनुष्य के खेदों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है ना, मैं बताया ना कि हमने बताया कि संन्यास का मतलब क्या, हर चीज भगवान से संबंधित है ये समझना, इसको असली संन्यास कहते हैं। बिना भगवान से संबंधित कोई चीज को त्याग देना, पति पत्नी का त्याग कर देना, घर का त्याग कर देना, तो आप जो दूसरी संपत्ति भोगने जा रहे हो जंगल, वो भी तो भगवान की ही संपत्ति है,
तो बिना भगवान का रिलेशन समझे हुए किसी चीज का परित्याग कर देना है ना, और ठीक से समझना नहीं, हृदय को विमल नहीं करना, चैंटिंग नहीं करना, तो हम देख भी नहीं पाएंगे और सही चीजें समझ भी नहीं पाएंगे। तो शुद्धि के बिना अनायास जो लोग सब कुछ छोड़ के सन्यास ले लेते हैं वो ज्यादा दिन तक सन्यासी टिकते नहीं है, है ना। ज्ञानी के सन्यास ग्रहण करने तो सकाम कर्म स्थित होने के लिए मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। उनको लगता है कि क्योंकि उन्होंने भक्ति ली नहीं है तो क्या सोचते हैं कि हम थोड़े दिन तक अगर सन्यास ले लेंगे थोड़े दिन में हम नारायण बन जाएंगे। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता क्योंकि भगवान बना नहीं जाता, भगवान होते हैं किंतु भगवान इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास सामाजिक जीवन में केवल उत्पात पहुंचाता है। आज हम सब बहुत दुखी हैं, हम बहुत है ये है कि सब छोड़ दो, सब छोड़ के चला, लेकिन वहां पे ज्यादा दिन रह नहीं पाता। फिर क्या करता है, फिर वो स्त्री संबंध करता है, अलग अलग स्त्री संबंध करता है, मांसाहार करता है, समाज सेवा के नाम पे लूटपाट मचाता है ना, समाज में उपद्रव मचाता है। तो दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्तव्यों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है वो भगवान से स्वीकार करता है। संन्यास ले लेता है लेकिन भक्ति नहीं करता, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता, तो कुछ भी भगवान से संबंधित नहीं होगा। ज्यादा देर तक तो कोई सन्यासी रह नहीं सकता, तो फिर वहां जाके गलत कार्य कर रहे हैं। उससे बेटर है कि जो व्यक्ति कर्म में लगा है, भौतिक जीवन में लगा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिव्य भक्ति सीख रहा है, चैंटिंग करना सीख रहा है, मंदिर जाना सीख रहा है, एकादशी का व्रत रखना सीख रहा है, शास्त्र पढ़ना सीख रहा है, धीरे धीरे समझ रहा है, वो व्यक्ति का छोटा कार्य भी भगवान स्वीकार करते हैं क्योंकि वो भक्ति युक्त है। तो अल्पमस्त धर्मस्त रायते महत्व भया। तो अगर कोई थोड़ा सा भी कार्य करता है ऐसे, तो भगवान कह रहे हैं वो ज्यादा बेटर। तो भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि अगर तुम समझते हो कि कर्म से विमुख हो जाओगे, यानी युद्ध नहीं करोगे और तुमको कर्म फल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। दुनिया भगवान कहे हैं कि अगर तुम कर्म नहीं करोगे, युद्ध छोड़ के चले जाओगे, तो हमेशा लोग तुमको थूकेंगे, अपमान करेंगे, भविष्य में भी लोग कहेंगे, कलंकित करेंगे कि अर्जुन जैसा व्यक्ति छोड़ के चला गया, भगोड़ा था वो, है ना। तो और संन्यास की सिद्धि प्राप्त करते हैं और भक्ति नहीं करते तो उसका भी कोई फायदा, तो भक्ति करना इम्पोर्टेंट है, ये बात कही जाती है, ठीक है। क्योंकि आज यहीं से पढ़ते हैं, किसी का कोई प्रश्न है या कोई वो है तो पूछ लीजिए। माता जी तीसरा वाला मेरे को समझ नहीं आया, एक बार तीसरा श्लोक। हाँ, तीसरा श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार, यानी अगर कोई भगवान को या हम कौन है ढूंढने का सोचता है, हाँ जी, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में जाता है, तो दो विधि है, या तो वो ज्ञान को अर्जन करे, हाँ जी हाँ, हर तरह के शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, सब पढ़ता रहे बिना किसी मार्गदर्शन के, और दूसरा भक्ति करे प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में। तो भक्ति करने पर उसको ज्ञान भी मिलेगा और एक्शन भी मिलेगा। अच्छा, अच्छा। लेकिन अगर ज्ञान योग में जाएगा तो दिक्कत क्या होगी, ज्ञान योग में क्या रहेगा, व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त होगा लेकिन कोई एक्शन प्राप्त नहीं होगा, तो मानसिक उतापो रहेगा हमेशा, बड़ी बड़ी बातें तो करेगा लेकिन करता कुछ नहीं है, चैंटिंग नहीं करता। तो मेंटल स्पेकुलेशन, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों में भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, विष्णु दत्ता प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे गौर।